हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन, जो 9th क्लास के NCERT बुक से संबंधित है। ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या करना है कि एक त्रिभुज की रचना करना है, यानी एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें कि आपका BC दिया हुआ है और B एंगल दिया हुआ है। AD प्लस AC का जो वैल्यू है वह दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पहले, ताकि आप समझ सकें। एक BC जो है वो 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि B पर जो है आप 75 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो 75 डिग्री का ये एंगल बनेगा यहाँ पर। और 75 डिग्री का एंगल बनने के बाद बोला जा रहा है कि AB, यानी कि AB एक कहीं पर होगा और ये जो होंगे वो आपस में। तो सबसे पहले इस दोनों का जो AB का जो सम है, इस लंबे लाइन को खींच देंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे और इसको इससे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इस लाइन को समद्विभाजित करेंगे, और जैसे समद्विभाजित होगा, इस लाइन को समद्विभाजित करेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे, तो जिस पॉइंट्स पे इसको काटेगा वही पॉइंट आपका A हो जाएगा और इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो है वो करना है इसमें, मैंने इसको शॉर्ट में बताया है यहाँ पर अभी। और इसका अब कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो 8 सेंटीमीटर सबसे पहले लाइन खींचते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, सेवन सेंटीमीटर का खींचना है। तो 7 सेंटीमीटर का ये यहाँ से खींच लिया गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है कितने डिग्री का कोण बनाना है, तो 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 डिग्री का कोण आप बना लेंगे, आपको ये आना चाहिए ताकि आप जो है 75 डिग्री के कोण को बना सकें। तो कोण को बनाने के लिए इसी प्रकार का तरीका, जिसमें कि इसको यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस तरह से यहाँ पर 75 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लिया है मैंने। अब क्या करना है, ये जो AB का जो सम है, यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था कि AB प्लस AC का जो सम दिया है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो जितना सम दिया हुआ है उतना का ये जो लाइन हमने जो खींचा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा लंबा लाइन हो गया है, इसको देखना है आपको आगे तक ये गया है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ पूरा गया है। यहाँ पर देखिए, तो इसको x आप मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि 13 सेंटीमीटर यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लेना है इस पे से, और इसको कट कर दीजिएगा। 13 सेंटीमीटर यहाँ से चाप ले करके इसको क्या कर लेना है, कट कर लेना है कि कहाँ पर आ रहा है। देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पे आ रहा है, उसको बारीकी से एकदम आराम से ध्यानपूर्वक कट करना है। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, आपका जो ये जो BC है इसको यहाँ से मिला लेना है, इसको पूरा ऐसे करके मिला लीजिएगा, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन में आप मिलाएंगे इसको, और ये इस लाइन को क्या करना है, मिला देने के बाद आधे से अधिक लेना है, ताकि इसको समद्विभाजित करने के लिए, इस लाइन को समद्विभाजित यानी कि बराबर भागों में बांटने के लिए। तो बराबर भागों में तो आप इस प्रकार से बांटेंगे, यहाँ से भी ऐसा करके, यहाँ पे कट हुआ। अब इस लाइन को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ये भी जो लाइन मिलेगा वो डॉटेड लाइन से ही मिलेगा, इस साइड पर ज़्यादा अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए इस भुजा को, जो आपका
ये जो हमने भुजा माना था, इस पॉइंट को अगर डी मान लें, ठीक है, तो ये जो आपका बी डी है उसको जहाँ पर काटेगा वो आपका पॉइंट ए होगा, और उसी ए पॉइंट से आपको सी को मिला लेना है। आपने सम विभाजित क्या किया था, डी सी को किया था आपका। अब यहाँ पर जो सम होगा, इस दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगा, 13 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक और सवाल है इसमें, वो भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है और क्यू जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे पी आर माइनस पी क्यू जो है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, यानी कि वो प्लस वाला था और ये माइनस वाला सवाल है इसमें। अब इसको देखना है और अच्छे से बनानी है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस ले लेते हैं कितने सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो है 6 सेंटीमीटर का है, तो इसको 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। इससे उसको लाइन को जो खींचेंगे आप लोग ध्यान से खींचेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को मिला देते हैं। मिल गए। अब यहाँ पर 60 डिग्री के कोण बनाने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, क्यू और ये है आपका आर। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाना काफ़ी आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हो। आप यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लेने के बाद इस पूरे इसको लंबी रेखा इसका खींच लेंगे आगे की तरफ, जो कि एक्स तक जाएगी, मान लेते हैं एक्स तक जाएगी। अब क्या करना है कि पी आर माइनस पी क्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर के इसको कट कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर जो है वो यह आया, यानी कि यहाँ तक ही 2 सेंटीमीटर आ गया है। इस 2 सेंटीमीटर को क्या करते हैं, जैसे उसमें करते थे उससे मिला दिया जाता है, इससे मिला देना। अब इस लाइन को यहाँ पे इसको डी पॉइंट ले लेते हैं, और इसी डी को जो है क्या करते हैं, डी आर मान लेते हैं कि डी आर है। अब इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं इसे। समद्विभाजित करने के लिए क्या है, आधे से अधिक लिया जाएगा, तो आधा से देखिए अधिक है। अब इधर भी कट करना है इसको, और साथ ही साथ यहाँ पर इधर ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये समद्विभाजित हो जाएगी, ध्यान देना है इसको। इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये होगा कि ये ऐसे करके समद्विभाजित हो गया, ये आगे की ओर जा रही है, इसको आराम से देखेंगे। सवाल को भी क्रॉस लगता है ये कर देगा, यहाँ पे आगे की तरफ गया, और ये भी जो लाइन है वो भी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसको कट कहाँ रहा है, ये कट रहा है ये देखिएगा यहाँ पर, और ये जो पॉइंट जहाँ पर कटा उसको क्या मान लेंगे, पी मानेंगे। तो अब जो ये जो पी पॉइंट्स है, अब ये जो पी पॉइंट्स है, अब इसी पॉइंट्स को किससे मिलाना है आपको, आर से मिलाना है आपको। आर से इस पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। तो आपका इस प्रकार का ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ हो गया, पी क्यू आर ट्रायंगल आपको ड्रॉ होगा। चूंकि ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर बड़ा सा बन गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्रॉस करने में। यहाँ पर इसको ये आगे की ओर साइड जाएगा, ये साइड जो ये जो लाइन है वो आगे की तरफ जाएगा और वो वहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।